तो बच्चों, जिसकी पतंग आखिरी तक बची रहेगी वो ही हमारे आदर्श बालक स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल काइट कंपटीशन में हिस्सा लेगा और चैंपियन टिंगू टाइट से मुकाबला करेगा। बस भाई वहीं से दे दे। ले भाई छोड़ रहा हूँ। ओए चूचे, तूने पतंग उल्टी क्यों पकड़ी? भाई लाली, मुझे क्या पता कि पतंग उल्टी है या सीधी, मैं तो छोले भटूरे देख रहा था। ओए चूचे! अरे सॉरी ले लो। उड़ी हमारी पतंग। मेरे तीन बोलते ही छोड़ देना, एक दो तीन। बिरामती की लालटेन देख के नहीं भाग सकता क्या? बुलाओ क्या तुझे भी रॉकेट बना के? हाँ बोली, बना देना मुझे रॉकेट। कोई बोली, वो देख उड़ता मोर। कहाँ उड़ता मोर? ओए फुकरा, भाई छोड़ रहा हूँ। हाँ छोड़। हेलो चिड़िया। भाई अपनी पतंग तो एकदम चील के जैसे उड़ रही है, मुझे भी दे। ओए चुच्चे थोड़ा रुक जा। नहीं तो मेरे भाई नहीं है, देगा मुझे। वेरी गुड लाली। थैंक यू नीतू मिस। ओए तुम दोनों ने एक पतंग काट ली ना, अब मेरी बारी। तुम इसको दिखाऊंगा कि लाली और जफर से बेटर पतंगबाज है। हुर्रे! ये! ये बिना पंखों के तीतर बहुत फड़क रहे हैं। चंगू बंगू, चकरी ठीक से पकड़ो, अभी इनको मजा चखाती हूँ। चल लाली, मेरा टर्न। तेरी ये भोली तो सबकी पतंग काट रही है यार, भगाओ अपनी पतंग। जाता कहाँ है गिद्दड़, रुक। पतंग थी, अब तो जबेड़ पड़ेगी। ये लो, बन गई भोली अपने स्कूल की चैंपियन। पतंगबाजी में हमारे आदर्श बालक स्कूल की चैंपियन है भोली जी। भाई मुझे पता था अपनी भोली जीतेगी। ज्यादा मत उछल चूचे, हमको ये हरा के जीतती है वो। मिस भोली, तुम एक आदर्श काइट फ्लायर हो, जैसे कि मैं। इंटर स्कूल काइट फ्लाइंग कंपटीशन में हमारा स्कूल को तुम ही रिप्रेजेंट करोगे। सर, मैं ट्रॉफी जीत के आऊंगी।